आज फिर अतीक के दफ्तर पहुंची है प्रयागराज पुलिस। खून के धब्बों की जांच करने के लिए पुलिस की टीम वहां पर आज फिर पहुंची है। कल अतीक के दफ्तर में कई जगह पर खून के धब्बे मिले थे, महिला के खून से सने कपड़े भी वहां पर मिले थे। कल भी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने वहां से सबूत इकट्ठा किए थे और आज फिर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे असद ने एक बेहद फुल प्रूफ प्लानिंग रची थी। दरअसल अतीक चाहता था कि किसी भी कीमत पर उमेश पाल बचने ना पाए और इसीलिए उमेश पाल की हत्या का जिम्मा उसने अपने बेटे असद को सौंपा और ये कोशिश करी कि किसी भी कीमत पर असद के बारे में पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले और इसीलिए असद के लिए एक मंकी कैप की व्यवस्था की गई, एक मंकी कैप मंगवाई गई जिसको असद को पहनना था हत्या के वक्त। पुलिस ने ये मंकी कैप शूटरों की कार से भी बरामद किया। इसके अलावा असद ने प्लानिंग की थी कि उसका एक खास गुर्गा है लखनऊ में अतीन जाफर, जो कि असद के लिए काफी काम करता है और असद ने उस अतीन जाफर को कहा था कि जिस वक्त प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया जाएगा उस वक्त अतीन जाफर असद के मोबाइल का इस्तेमाल करेगा लखनऊ में, और इसके अलावा अपना एटीएम कार्ड भी असद ने अतीन को दिया था ताकि जिस वक्त यहाँ प्रयागराज में हत्या हो रही हो उस वक्त अतीन एटीएम कार्ड असद का ले जाकर किसी एटीएम से पैसा विड्रॉ करे। पुनीत शर्मा बड़ी जानकारी दे रहे हैं और एक एक करके बड़ी जानकारियां बड़े खुलासे सामने आ